मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को नई टिहरी के दौरे पर रहे। सीएम बौराड़ी स्टेडियम में पहुंचे, उसके बाद नगरपालिका सभागार में आयोजित कार्यक्रम में जिले के पंचायत प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया। आपके सुझाव हमारा संकल्प कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंचायत प्रतिनिधियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। सीएम ने कहा कि 2025 तक उत्तराखंड के आम जनमानस के सहयोग से प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने का काम किया जाएगा। संवाद में ग्राम प्रधानों ने मनरेगा योजना में आ रही समस्याओं से सीएम को अवगत करवाया। इस दौरान संवाद कार्यक्रम में पहुंचे कुछ लोगों ने सीएम से मिलने का समय न दिए जाने पर नाराजगी भी जाहिर की। चाहे देश का जवान हो या किसान हो या नौजवान हो, कभी भी कांग्रेस ने किसी की चिंता नहीं करी। कभी अपने देश के अंदर 55 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है और कभी किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम नहीं हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसानों की आय दुगनी हो उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान सॉयल हेल्थ कार्ड हो, किसानों की आय दुगनी हो, उस पर लगातार काम हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है। पूरा देश जानता है। और जवानों की बात करें, जवानों का चाहे वो पेंशन का मामला हो, चाहे उनके आज माइनस डिग्री तापमान में काम करने वाले उनके बूट से लेकर उनके पहनने वाली जो वर्दियाँ हैं, उन वर्दियों का मामला रुका हुआ था, उस सबको अगर किसी ने चालू किया है, किसी ने स्वीकृति की बात करें तो देखिए मुख्यमंत्री द्वारा जो है इतना बड़ा जो है जन संवाद का कार्यक्रम रखा गया था, परंतु हमें यह अवगत नहीं कराया गया था कि जो है बहुत कम समय के लिए ये जन संवाद का कार्यक्रम है। कम से कम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कम से आधा पौन घंटे तो अपनी स्पीच में ले लिया गया, उसके बाद मात्र 10 मिनट के लिए आपको जो है प्लान के साथ जो है एक प्लान बनाया गया और उसके हिसाब से जो कुछ ही लोगों से बुलवाया गया, ऑलरेडी उनके पास लिस्ट दी गई। जबकि होना ये चाहिए था कि आपको जो है पब्लिक के बीच में जितने भी जनप्रतिनिधि आ रखे थे उनके बीच से जो है बुलवाना चाहिए था। कई समस्याएं थी हमारे विकास में, प्रताप नगर की भी बहुत ही ज्वलंत समस्याएं थी, हमें खुद स्वयं बोलना था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है, जो कि बहुत ही खेद का विषय है कि इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बावजूद अगर इस तरह के जो है यहाँ पर जो है जनप्रतिनिधियों ने जो है नाराजगी व्यक्त करी है, हम खुद नाराजगी व्यक्त करते हैं। मैंने अपने जिला प्रधान संगठन की ओर से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को एक 5 सूत्रीय ज्ञापन भी सौंपा और हमारी जो मुख्य मांगे थी आज जो मनरेगा में हमारी जो भूमि सुधार के कार्य होते हैं उसमें बिल्कुल मटेरियल को पूरा हटा दिया गया है। जबकि जो पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थिति है, यहाँ पर जो खेत अगर हमें कोई बनाना है तो उसके लिए हमें पक्के पुश्ते लगाने होते हैं, दीवार लगानी होती है, और एक हमारा जो है राशन कार्ड को लेकर था कि जो राज्य के जो खाद्य योजना के जो कार्ड है उसमें क्या अभी हमारे यूनिटों में जो है पूरी जो है भर गई है तो नए कार्ड नहीं बन पा रहे हैं या फिर वो डिलीट कर दिए गए कार्ड। उसके अलावा हमारा जो है प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसका पोर्टल जो है 2018 से बंद है और जो हमारी ग्राम पंचायतों में जो पात्र व्यक्ति हैं जिनके पास आवास नहीं है तो हम जो है अपने कार्यकाल में एक भी आवास अभी तक नहीं दे पाए। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि इसका पोर्टल ऑनलाइन बंद है, जबकि शहरी क्षेत्रों में जो प्रधानमंत्री आवास योजना का पोर्टल है वो खुला है और वहाँ पर दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये पहाड़ों के साथ जो है ये अन्याय हो रहा है। उत्तराखंड में निजी स्कूलों के द्वारा मनमाफिक फीस लिए जाने और अभिभावकों के शोषण की लंबी चौड़ी शिकायतों के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। हल्द्वानी में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि अब निजी विद्यालयों की इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार ने विद्यालय नियामक प्राधिकरण का गठन किया है। मीडिया को जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि ये प्राधिकरण फीस एक्ट से 4 गुना ज्यादा ताकत पर होगा, जिससे कि चौतरफा लगाम लगाई जा सकेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति में भी मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए जो पाठ को लागू किया गया है, हम उत्तराखंड में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक मातृभाषा को बढ़ावा देने के लिए बंगाली भाषा, गुरमुखी भाषा, जौनसारी, कुमायूनी, गढ़वाली, इन भाषाओं में भी कक्षा 1 से लेकर 5 तक हम बच्चों को पढ़ाएंगे, जिसके लिए जहाँ जैसी आवश्यकता पड़ेगी हम शिक्षकों की तैनाती भी करेंगे।
विधानसभा चौबट्टाखाल के अंतर्गत नगर पंचायत सतपुली में देर रात पहुंचने पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कहा कि सभी लोग आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी कमर कस लें। गोदियाल ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी दहाई के अंक को भी पार नहीं कर पाएगी और कांग्रेस प्रदेश में बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। चंपावत में दुग्ध संघ ने सोमवार को अधिवेशन किया, जिसमें 4 साल का लेखा जोखा पेश किया गया। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 24.33 करोड़ के प्रस्ताव को पास किया गया। साथ ही कर्मचारियों और काश्तकारों को दुग्ध संघ को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प भी लिया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कर्मचारी, दुग्ध उत्पादक और सचिव को भी संघ के द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक कैलाश गहतोड़ी और दर्जा राज्य मंत्री हयात सिंह महारा ने संयुक्त रूप से किया। में गठन हुआ था, ये हमारी चौथी और पांचवी वार्षिक समन्वय निकाय बैठक थी, जिसमें हमारे द्वारा 19, 20 और 20 किसका लेखा जोखा अपने प्रतिनिधियों के सम्मुख रखा गया है। 19-20 में जहां हम 31 लाख रुपए दुग्ध मूल्य एरियर के रूप में किसानों को दिया है, वहीं 20-21 में 20 लाख रुपए का हमने प्रावधान किया है जो कि अगले साल देंगे। और इसी साल 22-23 में हमने 26 लाख रुपए का बजट प्रस्ताव किया है कि 26 लाख रुपए हम लाभ पर रहेंगे। इसमें हमारे द्वारा आज जनपद की जो 10 महिला उत्पादक हैं उनको भी सम्मानित किया है। ममता देवी हैं सेलिया, जो कि 2 लाख रुपए का उन्होंने दूध दिया, उनको 10,000 रुपए का इनाम दिया है। ऐसे ही बाजरीकोट से मंजू तिवारी जी हैं, उनको 7,000 रुपया, और हमारी तीसरी महिला को 5,000 रुपए का हमने उनको चेक भी वितरित किया है। साथ ही जनपद के जो सचिव हैं उनको भी सम्मानित किया है, उत्पादकों को सम्मानित किया है। तो दुग्ध संघ आगे निरंतर आगे बढ़ रहा है, उसी की कड़ी में आज हमारी वार्षिक समन्वय निकाय बैठक। बागेश्वर जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश कुलदीप शर्मा की अदालत ने एक हत्यारोपी युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, साथ ही उस पर 25,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। इसी साल 25 जनवरी को कपकोट थाना पुलिस क्षेत्र के अंतर्गत तल्ला सुपी निवासी कैलाश राम ने गांव के राकेश कुमार नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गया था। जघन्य अपराध था, इसमें एक 9 साल के बच्चे को जो है बल्ले से 4 बार वार करके उसे जो है मर गया समझ करके उसे जो है अटैची में बंद कर दिया और उसके ऊपर वो बैठ गया गोली। और बैठने के बाद जब उनके घर वाले आए उन्होंने देखा तो उनमें FIR दर्ज हुई, जिसमें हमने EDC क्रिमिनल बागेश्वर और EDC क्रिमिनल बागेश्वर द्वारा जो है इसमें बार गवाह जो है अभियुक्त को उसे परीक्षित कराए और इसमें माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय द्वारा इसमें आजीवन कारावास की अभियुक्त। कोसी नदी में पॉकलैंड मशीन से खनन कार्य होने पर खनन कार्य से जुड़े ट्रांसपोर्टरों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ट्रांसपोर्टरों ने प्रदेश सरकार से पॉकलैंड मशीन को बंद करवाने की मांग की और सरकार पर बाजपुर के खनन कारोबारियों के साथ उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया। लोगों ने आरोप लगाया कि कोसी नदी में पॉकलैंड मशीन चलने से चुगान कार्य करने वाले मजदूरों से रोजगार छिन रहा है, जिससे लोगों के सामने 2 वक्त की रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। पूर्ण तरीके से विरोध है, क्योंकि इन पोगलनों की चलने की वजह से हमारा यहाँ का निजी करने यहाँ के छोटे छोटे लोगों का जो निजी काम थे खनन के द्वारा वो सब ठप हो गए हैं, बंद हो गए हैं। क्रैशर वाले जो है वो हमारा माल ले नहीं रहे, यहाँ का लोकल का माल ना रॉयल्टी कट रही है कोई ना माल ले रहे हैं। तो ऊपर का क्या है जी, ऊपर पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आती भी गवर्नमेंट सरकार किस वजह से इनको परमिशन देती है पहाड़ खोदने के लिए। क्या पर्यावरण से इतनी नफरत हो गई सरकार को कि ऊपर पहाड़ खोदो या वहाँ से माल पहाड़ खोदते हैं, यहाँ क्रैशरों पर माल फेंकते हैं, यहाँ से मिट्टी ला के फिर वो गड्ढे भरते हैं अपनी रिपोर्टें के लिए क्लियर करने के लिए। इतने बुरे हाल कर दिए हैं यहाँ के सरकार ने हमारे यहाँ के लोकल लोगों के कि यहाँ का हमारा काम जो है लगभग जो है 90% लोगों का खनन पर डिपेंड करता है, चाहे मार्केट भी है बाजार शहर बाजार वो भी यहाँ के लोकल लोगों से काम करता है। अब यहाँ का माल जब ऊपर से माल आएगा तो यहाँ हमारा माल क्यों लेंगे भाई? वो वजह क्या है? कहते हैं ऊपर वाले माल में जो है 80% पत्थर आ रहा है, जब आप पहाड़ खोदोगे तो उसमें 80 का 90 भी आएगा। अब यहाँ माल जो ऊपर से बह के आएगा तो वो थोड़ा थोड़ा छोटा पत्थर बजरी रेता सब तरीके का माल यहाँ पे आएगा, इसको वो पसंद नहीं करते क्रैशर वाले। कहते हैं ऊपर वाला माल आ रहा है सस्ती रॉयल्टी आ रही है, वो एक एक रॉयल्टी पे कई कई तो चक्कर मारते हैं पूरे दिन में, और निरा ही सरकार का वो मतलब जो जिसे राजस्व कहते हैं उसकी हानि हो रही है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं पहुँच रहा। अब इकट्ठा पहुँच गया हो तो हमें उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारे लोगों के लिए लोकल लोग यहाँ पे बैठे हैं
कोई ये मेरा अकेले का काम नहीं है, यहाँ हर एक छोटा छोटा वर्कर, जो कोई भराई करने वाला है, कोई लेबर वाला है, कोई ड्राइवर है, हर एक बंदा इस काम से जुड़ा हुआ है। और भाई साहब इस काम की वजह से पोगलों ने चलने की वजह से सत्यानाश हो गया है, और कोर्ट में भी लोगों ने, कुछ बंदियों ने कोर्ट में भी दायर करें भी इसको बंद करना चाहिए, लेकिन कोर्ट का काम क्या जी, कोर्ट का काम चलता है पेपर के आधार पर। उन्होंने वहाँ इंक्वायरी भेज दी नीचे, नीचे इंक्वायरी करने वाले जो काम करने वाले थे वो भी नहीं के अपने हैं, जैसे ही उन्होंने रिपोर्ट बनवाई उन्होंने वो रिपोर्ट कोर्ट को दे दी और कोर्ट ने वो काम फिर से चालू कर दिया है।